भावलोक सबसे पहले तो सॉरी कि इस शो को इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया भाई, सब सारी शिकायतें दूर हो चुकी हैं। मेकर्स ने कहा सॉलिड बाजी पलटी है, सेवंथ एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और बाबा जिसके लिए हम वेट कर रहे थे वो मिंट वो फ्लेवर हमें मिल चुका है। आगे थक गई थी कि जब से सीजन 2 स्टार्ट हुआ, यस यार एक बार वॉर देखने को मिल जाए, बस एक बार जैसे तैसे, और मेकर्स ने उसे सेवंथ एपिसोड में सिचुएट कर दिया। आई एम स्पीचलेस मैन, व्हाट अ वॉर, फुल गूज़बम्स मोमेंट रहा पूरे एपिसोड में। सिक्स्थ एपिसोड जहां छोटा था ऑक्स का इरेगियन पर हमला करते हुए, वहीं सेवंथ एपिसोड स्टार्ट हुआ है। ऑक ने ब्रूटल अटैक कर रखा है इरेगियन पर, लेकिन इरेगियन को जिस मजबूती से फोर्टिफाई करा गया है भाई, ऑक्स पूरी रात लड़ते हैं लेकिन दीवार को टस से मस नहीं कर पाते। उधर हेलब्रैंड ने कैलिब्रिम्बोर को बुरी तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है स्टार्टिंग में, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ माउस कैलिब्रिम्बोर हेलब्रैंड उर्फ एनाटार का स्पेल से बाहर निकल चुका है, और जब बाहर जाके हालत देखी भाई, पूरा इरेगियन आग में झुलस रहा था। एंड हियर कैलिब्रिम्बोर रियलाइज कि उसने कर क्या दिया, ब्लाइंडली हेलब्रैंड पर भरोसा करके। लेकिन हेलब्रैंड अपने असली रूप में आ गया है, उसने कैलिब्रिम्बोर को अपनी रियल आइडेंटिटी दिखा दी है कि ही इज सौरन, और अब मैं यहां से इसे सौरन कहकर ही रिप्रेजेंट करूंगा। एक बार फिर बता दूं, एनाटार और हेलब्रैंड दोनों एक ही बंदे हैं जो सौरन है। और क्या क्रूएलिटी दिखाई इस सौरन ने, मतलब तुम फड़फड़ाओगे कि साले मासूम लोग मर रहे हैं, तुझे अपने रिंग्स बनाने की पड़ी है। उसने बुरी तरीके से इरेगियन के सोल्जर्स को भी ब्रेन वॉश कर डाला है, जो खुद कैलिब्रिम्बोर की भी बात नहीं सुन रहे हैं, और वो सब यही चाह रहे हैं कि वो बस रिंग बनाने पर अपना ध्यान दे। ये कौन, कैलिब्रिम्बोर। और अब सौरन कैलिब्रिम्बोर से फोर्सली रिंग बनवा रहा है, उसे हथखड़ी में जकड़ दिया है। लेकिन सैड न्यूज इज दैट बाबा 9 रिंग्स फॉर्ज हो चुकी हैं, बट गुड थिंग इज दैट वो सौरन के हाथ नहीं लगी, क्योंकि कैलिब्रिम्बोर जैसे तैसे अपने टावर से भाग निकलने में सफल हुआ। और तभी ग्लैडरियल आ जाती है एरेंडीर के साथ। अच्छा मैं तुम्हें बताना भूल गया, ग्लैडरियल ऑक्स की गिरफ्त से भाग निकलने में सफल हुई है और रास्ते में उसे एरेंडीर मिल गया, जो अडार के पीछे उसे मारने आया है। इसी के साथ एल्व्स आर्मी भी इरेगियन पहुंच गई है, और क्या सॉलिड वॉर देखने को मिली है ऑक्स और एल्व्स के बीच में। भाई तुम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैन हो तो ट्रस्ट मी मैन, इसे देखो एक बार, बस मजा आ जाएगा। पूरे एक घंटे के एपिसोड में बाबा वॉर ही वॉर चली है, सिर्फ लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन ऑक्स का मैन पावर ज्यादा होने की वजह से एल्व्स पर वो भारी पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ एलरॉन्ड ने खाजा दूम में मदद के लिए संदेश भेज दिया, वहां किंग ड्यूरिन रिंग की वजह से पूरा पगला चुका है, जो नारवी और उसके साथियों पर अटैक कर दिया है वो भी ब्रूटली। और यहाँ प्रिंस ड्यूरिन जो ड्वार्वन आर्मी तैयार कर रहा था इरेगियन लाने के लिए, एल्व्स की मदद करने के लिए फिलहाल इस मुहिम को रोक दिया है। लेकिन बाबा एलरॉन्ड एरोंडीर और गिलगैलेड मिलकर डैमरॉड इस जाइंट को देख रहे होगे आप, तुम एपिसोड 3 में भी देखा होगा, तो इसे मार डालने में ये सफल हुए हैं, और इस साले ने ढेर सारे एल्व्स को अकेले ही खत्म कर दिया। फिलहाल ये वाला पार्ट औसम था, तीनों का ट्रायो देखकर मजा भी आएगा तुम्हें, मतलब सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार इसे मारेगा कौन आखिर, क्योंकि अनडिफीटेड है ये। लेकिन बुरी तरीके से भाई हाई स्किल का इस्तेमाल करके तीनों ने जबरदस्ती से मारा है, बेस्ट पार्ट था ये। लेकिन एक और सैड न्यूज इज दैट बाबा अपने एरोंडीर भाई को अडार ने फिलहाल तलवार घोंप दी है। अब ये मरेगा या नहीं वो एपिसोड 8 में पता चलेगा, और एट द एंड ऑफ एपिसोड बस गिने चुने एल्व्स ही ऑक्स की बड़ी आर्मी से लड़ रहे हैं, तो यहाँ गिलगैलेड और एलरॉन्ड भी मारे जाएंगे क्या, वो भी एपिसोड में पता चलेगा। और ड्वार्वन आर्मी यहाँ पर पहुंचेगी या नहीं, यानी ड्यूरिन की मदद यहाँ आती है या नहीं, वो भी एपिसोड 8 में पता चलेगा। लेकिन एरोंडीर नहीं मरना चाहिए यार, वरना दिल टूट जाएगा। अभी तो मजा आना शुरू हुआ इस सीजन 2 में, पिछले एक महीने से सिर्फ बोर हो रहे थे, और मेकर्स ने एक हाथ में खुशी दी लेकिन दूसरे हाथ से उसकी कीमत भी मांग ली। फिलहाल एरोंडीर की कुर्बानी से वो कीमत नहीं चुकाना चाहते हैं। लेकिन एक और सैड न्यूज इज दैट नेक्स्ट एपिसोड यानी 8th एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड है, और उसके बाद फिर सालों तक, कम से कम 1.5-2 साल तक हमें वेट करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जस्ट लाइक भेड़ बकरियों की तरह। मतलब खुशी भी देते हो फिर दूसरे ही पल उसकी कीमत भी मांगते हो, व्हाट द फक। देखते हैं भाई 8th एपिसोड में और क्या मिलता है हमको, देन 3rd अक्टूबर के लिए वेट करो, क्योंकि 3rd अक्टूबर को इस 8वां एपिसोड यानी फाइनल एपिसोड ड्रॉप आउट हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने भी इस एपिसोड को देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी लाइक में कमी ना करो भाई, क्योंकि यहाँ से इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने का, और भी ज़्यादा मन करता है। जय हिंद।